हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेखर घोष फ्रॉम चित्रज्ञ द फोटोग्राफी एक्सपर्ट। आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग अपने निकॉन Z85 1.8S का। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने अनबॉक्सिंग प्रोसेस। मैं अपने इस बॉक्स का सील ओपन कर देता हूँ। ये मैंने सील ओपन कर दिया है। ये लेट्स ओपन। इसमें हमें पता चलेगा कि क्या क्या कंटेंट है। ये है लेंस पाउच जिस पर निकॉन लिखा हुआ है। इसके बाद है मैनुअल। इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं लेंस के बारे में। इसके बाद है वारंटी कार्ड। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे मेन कंपार्टमेंट की तरफ में। उसके पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा हुड। ये हुड लेंस हुड है। आगे बढ़ते हैं हम अपने मेन कंपार्टमेंट की तरफ। बहुत एक्साइटेड हूँ अपने इस नए प्रोडक्ट के लिए। ये है हमारा मेन प्रोडक्ट 85mm 1.8S। इस पे आप ये देख सकते हैं 85 1.8S लिखा हुआ है। इसमें ये स्विच दिया हुआ है ऑटो फोकस एंड मैनुअल फोकस के लिए। और उसका लेंस कैप रिमूव करके देखता हूँ। ये बहुत सिमिलर है मेरे 85mm 1.8 जो निकॉन के एफ माउंट लेंस है उसके जैसा ही है। ये सिर्फ डिफरेंस मुझे ये लग रहा है कि इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है और मेरे लेंस जो एग्जिस्टिंग लेंस है उसका हाइट थोड़ा कम है। मैं दोनों लेंस को कंपेयर करने के लिए अपना पुराना 85mm लेंस भी लेके आया हूँ। इसमें आप देख सकते हैं इसमें हाइट का डिफरेंस है और सामने का ओपनिंग एक जैसा है। इनका फिल्टर डायमीटर 67mm है दोनों का। एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर जो मुझे लग रहा है वो ये है कि लेंस कैप पे निकॉन की जगह निकॉन लिखा हुआ है। पुराने लेंस कैप पे निकॉन लिखा हुआ करता था। अब मैं दोनों लेंसेज का हाइट कंपेयर करके दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों लेंस के हाइट का डिफरेंस। जहाँ तक मेरा अनुमान है दोनों लेंस का हाइट बराबर हो जाएगा अगर मैं FDZ माउंट उसमें लगा के देखूँगा तो। मैंने अपने 85 1.8G को FDZ माउंट के साथ में रखा है और दोनों की हाइट ऑलमोस्ट एक जैसी हो गई है। दोस्तों, मैंने अपने Z6 के साथ काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने पुराने लेंसेज के साथ में, बट ये मेरा फर्स्ट Z माउंट लेंस है। इसके साथ में मैंने Z6 का कोई भी ट्रायल नहीं किया है, कोई भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए हैं इसके साथ में। मुझे देखना है कि ये लेंस मेरे पुराने लेंस से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है या नहीं। थैंक यू। मैं शेखर घोष साइन ऑफ करता हूँ और हम मिलते हैं अपने आने वाले वीडियोज़ में। बाय बाय।